दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या अब तक वक्फ बोर्ड को लेकर के जेपीसी को जो मेल करने के लिए कहा गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 84 लाख ही मेल पहुँचे हैं? क्योंकि अभी की बहुत बड़ी और बुरी खबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से शाया की गई है, उसमें पूरी तफसील दिया गया है कि क्या सच में 84 लाख ही मेल गया है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो रही है ये खबर, इसमें कितनी सच्चाई है वो सभी चीज़ को इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से शाया किरदा नोटिस है 17/9/2024 का आज का ही। इसमें वजाहती बयान इन्होंने दर्ज किया है कि सोशल मीडिया और अखबारात में जेपीसी के हवाले से छपी खबर को सिर्फ 84 लाख ईमेल मौसूल हुए। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम इन्होंने वजाहती बयान जारी करते हुए फरमाया कि जेपीसी के हवाले से ईमेल की तादाद की जो खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो सही नहीं है। अभी जेपीसी ने इस तरीके का कोई डाटा शेयर नहीं किया है और न ही बताया है और न ही जेपीसी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। इसलिए हम अपील करते हैं कि मुसलमान किसी गलत फहमी के शिकार ना हो और एक दूसरे को भी तशवीश में पड़ने का मौका ना दें और ख़ुद भी तशवीश में ना पड़ें और गलत खबर को आम करके दूसरे लोगों को परेशानी में ना डालें। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझ लिया कि ये जो न्यूज़ आर्टिकल शाया की जा रही है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ जेपीसी को जो मेल किए हैं करोड़ों के करोड़ों लोग, उसमें से 84 लाख ही मेल पहुँचे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में अभी फ़ौरन जारी करके कहा है, ये जानकारी दिया है कि अब तक जेपीसी की ओर से कोई भी खबर, कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है इस मेल को लेकर के कि कितना पहुँचा है और कितना नहीं। इसके लिए आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है, सब्र करके रखना है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नोटिस आएगी तो मैं आप तमाम साथियों के सामने शेयर कर दूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें।